केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण नीति को कमजोर करने की कोशिश नहीं की जा रही है। उन्होंने दोहराया कि केंद्र सरकार अनुसूचित जातियों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शून्यकाल के दौरान सदस्यों की ओर से उच्च शिक्षा में आरक्षण का मुद्दा उठाए जाने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री की ये प्रतिक्रिया आई। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने शून्यकाल के दौरान उच्च शिक्षा में आरक्षण का मुद्दा उठाया। यूजीसी के हालिया आदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी और एसटी के आरक्षण को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और बीएसपी के अशोक सिद्धार्थ ने भी रामगोपाल यादव की बातों का समर्थन किया। यूजीसी ने 5 मार्च 18 को एक विभागवार रोस्टर का आदेश दिया, 13-point रोस्टर। पहली, दूसरी, तीसरी जो पोस्ट होगी वो अनरिजर्व होगी, चौथी ओबीसी को होगी, पांचवी छठवीं अनरिजर्व होगी, सातवीं शेड्यूल कास्ट को होगी, आठवीं ओबीसी को होगी, नवीं दसवीं ग्यारहवीं अनरिजर्व होगी, बारहवीं ओबीसी को होगी और तेरहवीं अनरिजर्व होगी। मतलब ये हुआ कि इन 13 सीटों में 9 अनरिजर्व्ड होंगी और 4 जो हैं उनमें 3 ओबीसी और 1 एससी का उम्मीदवार होगा। एसटी कभी कोई रिजर्वेशन इसके बाद नहीं एसटी को मिल सकता। और अभी नई जो गाइडलाइंस हैं यूजीसी की, जो सर्कुलर है 5 मार्च 2018 ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री एचआरडी, ईच डिपार्टमेंट इन ए यूनिवर्सिटी शुड बी treated as unit, thus if the number of posts per department is 1 or 2, no reserved post will be available. उत्तर भारत में या दक्षिण भारत, पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी के छात्रों में रोष व्याप्त है। इसकी इससे पहले जब लागू हुआ था आरक्षण, तब से लेके आज तक वैकेंसी नहीं आई, लेकिन जिस दिन से ये रोस्टर, जिस दिन से ये सर्कुलर आया, सर्कुलर के बाद से प्रतिदिन प्रतिदिन सर ये वैकेंसी आई है। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सदस्यों की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि यूजीसी का सर्कुलर अदालत के आदेश के अनुरूप था। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी है और इसकी वजह ये है कि आरक्षण में कटौती की अदालत के फैसले के खिलाफ सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर निर्णय लंबित है। अचानक सर्कुलर नहीं निकाला, इसको फोर्स हुआ एक तरह से, क्योंकि ये निर्णय कोर्ट का है और कोर्ट माने केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कायम किया। हमने सभी संबंधित विभागों से चर्चा करके 2 एसएलपीज दायर किया है, एक यूजीसी ने भी एसएलपी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और एक एसएलपी दायर किया है एमएचआरडी करके, हमने भी किया है। तो ये 2 एसएलपीज दायर की है, अब 13 अगस्त उसकी तारीख है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने ये भी साफ किया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को कोई आँच आने नहीं दी जाएगी। उन्होंने सदन में कहा कि आरक्षण नीति को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।